नमस्कार, मैं रविश कुमार। सब्सिडी का पैसा लोगों तक नहीं पहुंचता, यह हम सब जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब्सिडी की जरूरत कम हो गई है, बल्कि बहस यह चल रही है कि उस पैसे को क्या लोगों के हाथ में दे देने से सब्सिडी का मकसद बेहतर तरीके से पूरा होता है। केंद्र सरकार ने जब से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना को क्रांतिकारी बताया है, उसे लेकर उन बुद्धिजीवियों में बहस चल रही है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं की कामयाबी नाकामी का अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन इस बहस में राजनीतिक दल अपने तरीके से कूद पड़े हैं। कांग्रेस को यह गेम चेंजर यानी खेल बदलने वाला लग रहा है, तो बीजेपी को इसमें खेल बिगाड़ने वाला नजर आ रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी कि सरकार के इस नीतिगत फैसले के ऐलान से गुजरात में हो रहे चुनावों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जिन 51 जिलों में जनवरी में इस योजना को लागू करने की बात की गई है, उनमें से 4 जिले गुजरात में हैं। केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया और चुनाव आयोग मंगलवार को भी इस पर एक बैठक करेगा, तब शायद कोई फैसला आ जाए। क्या वाकई कांग्रेस ने इस योजना से कोई ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट राजनीतिक दल खोजने में लगे हैं? मनीष तिवारी ने बीजेपी से पूछा है कि अपनी राय साफ कीजिए। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों के सिस्टम पर असर पड़ता है तो पार्टी विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मनमोहन सिंह को खत लिखा और कहा कि उनका राज्य इस योजना से बाहर रहना चाहेगा, क्योंकि उनका अनुभव यह है कि अगर बेहतर निगरानी हो तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS अच्छा काम करती है। रमन सिंह यह सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आपका पैसा आपके हाथ योजना के लिए IT स्ट्रक्चर यानी कंप्यूटरीकरण की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा, करोड़ों लोगों तक बैंकों की पहुंच नहीं है, यही नहीं बाजार में चीजों के दाम लगातार घटते बढ़ते रहते हैं, उस हिसाब से हर महीने तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कितना पैसा आपके खाते में भेजा जाए। अगर पूरे साल एक तय राशि भेज दी जाए तो लोग दाम बढ़ने पर उस राशि से कम चीजें खरीद पाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जनता के हाथ में रिश्वत दी जा रही है। इस देश में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लेकर सब्सिडी पर चलने वाली तमाम योजनाओं की नाकामी पर आपको एक से एक विद्वान मिलेंगे जो यह बताएंगे कि कैसे लाखों करोड़ों गबन हो जाते हैं और लोगों को लाभ भी नहीं होता है। सरकार कहती है कि इस योजना से पैसा 100% आपके खाते में तो जाएगा ही, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में रिक्शा भाड़ा से लेकर बाबू का कमीशन सब बचेगा। इस योजना के समर्थक विद्वान समूह कहते हैं कि पैसा मिलेगा तो आप राशन का पूरा अनाज किरासन तेल सब खरीद सकेंगे। अभी दुकान वाला किरासन तेल भी नहीं देता, आपके खाते का तेल किसी और को बेच देता है। इस योजना से सब्सिडी के खेल में लगे बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। अब मैंने जितनी पढ़ाई की है उस सीमित गूगल अध्ययन के दौरान इस बात की गारंटी कहीं नहीं दिखी कि गरीबी इन योजनाओं से खत्म हो जाएगी। ब्राजील, मेक्सिको जैसे मुल्कों में यह योजना इसलिए कामयाब है कि वहां भारत की तरह करोड़ों में लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, बच्चे कुपोषित नहीं है आदि आदि। शायद इसलिए सरकार ने यूरिया, डीजल, खाद्य और मनरेगा पर दी जाने वाली 2.25 लाख करोड़ सब्सिडी को इस योजना से अभी अलग रखा है। सिर्फ किरोसिन, LPG, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं पर 3.25 लाख करोड़ की राशि ही इसमें शामिल की गई है। एक दलील यह भी है कि इससे मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिखर जाएगी। वैसे राशन की दुकानों से मिलने वाले अनाज को इसमें नहीं रखा गया है। बहस यह भी चल रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कितना और कब तक सुधार किया जाए, क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने लिखा है कि इंदिरा आवास योजना की मिसाल देते हुए उन्होंने लिखा है कि इस योजना में लोगों को पैसा हाथ में मिलता है फिर भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में गरीब लोगों को कर्ज दे दिया जाता है, मगर उनके पास बाजार या तकनीकी की कोई क्षमता नहीं होती है, लिहाजा नकद पैसा गरीबी खत्म करने के काम नहीं आता है। इसके अलावा इन नगद योजनाओं में कमीशन खोरी जो होती है वो अलग से। लेकिन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में ही मैंने ज्यादातर जानकारी यहीं से ली है। देवेश कपूर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के विद्वान लिखते हैं कि इस योजना को मौका दिया जाना चाहिए, इसे सब्सिडी की सभी योजनाओं का विकल्प न समझा जाए, मगर कई मामलों में यह योजना मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा लाभकारी हो सकती है। इसीलिए बहस जरूरी हो जाती है कि क्या राजनीतिक कारणों से इस योजना के खिलाफ हवा बनाई जा रही है या वाकई गरीबों के लिए यह कोई बेहतर योजना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय निरुपम साहब,
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, शाहनवाज हुसैन जी हैं प्रवक्ता हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। विराज पटनायक हैं, आप सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार हैं, और प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य हैं, अर्थशास्त्री हैं। कम लोग हैं तो ज्यादा ठीक से बात कर लेंगे। शाहनवाज जी हम जानना चाहते हैं कि एक तो सब जानते हैं कि आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है, आप लोगों का विरोध है इस योजना से, आप कह रहे हैं कि रिश्वतखोरी है। जरा दर्शकों को बताइए कि आपके विरोध का आधार क्या है, जिससे बात उनको तक पहुंचे कि आप किस वजह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे पार्टी के शब्द हैं वही हम अपने शब्द मानेंगे। जो रिश्वतखोरी का शब्द है, ये मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कह सकता हूं, ये शब्द हमारे नहीं है जो आपने हमारे साथ जोड़े। हमने जो चुनाव आयोग को एतराज किया है, हाँ, वो ये कहा है कि सरकार, आज गुजरात में इलेक्शन हो रहा है और सरकार एक बैग पीआईबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, कांग्रेस के दफ्तर में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, कह रहे हैं हम गेम चेंजर बने हैं। गेम तो जनता तय करती है, ये वहां दफ्तरों से गेम चेंज होने वाला नहीं है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, पिछली बार जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी तो हमने पॉजिटिव चर्चा की थी, और इसमें यशवंत जी और वेंकैया जी की एक कमेटी बनाई कि इन चीजों पर वो क्या कर रहे हैं, हम इसको अध्ययन करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक कैश का सवाल है, हमारा जो इतराज है वो इस बात पे है कि आप मंत्री जाकर कांग्रेस ऑफिस से ऐलान कर रहे हैं, इसके लिए जिला अध्यक्षों को बुला रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग राहुल जी करेंगे जो सरकार में नहीं है, ठीक है, और गुजरात के चुनाव के ऐन वक्त पर, हाँ, क्योंकि आपके पास कोई और कुछ कहने को नहीं है जिसमें चार जिले शामिल हैं, तो आप इसकी घोषणा कैसे कर सकते। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.